वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने लगी है। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया 8 यूनिकॉर्न इन जस्ट 40 डेज रिकॉर्ड इन 2022। तो यार बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया ने हासिल की है। मैं कहता हूँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से बना दिया है कि मतलब 40 दिन के अंदर अंदर 8 कंपनीज को इंडिया ने यूनिकॉर्न बना दिया। मतलब 8 कंपनीज की वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो गई है। मैं कहता हूँ और किसी कंट्री ने इतना जल्दी ये चीज नहीं की होगी। मतलब यूनिकॉर्न वो उन कंपनीज को बोलते हैं जो मतलब जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर होती है। तो यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, वीडियो देखेंगे उसी बात पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। रिबा इमरान का वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। Hi viewers, this is me, Ribaha Imran, and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। आज मैं बात करने जा रही हूँ यूनिकॉर्न कंपनीज के हवाले से। जी हाँ, मैं आपको बताती जाऊँ तो 8 यूनिकॉर्न कंपनीज जो है इंडिया में, और मजीद 8 कंपनीज जो है उनके यूनिकॉर्न में ऐड हुई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है कि 8 कंपनीज जो है 2 महीने में 40 डेज में जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी है इंडिया की कंपनीज। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 दिन में इंडिया की एक कंपनी जो है यूनिकॉर्न लाजमी बनती है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो चाइना को यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में बीट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की जानिब से। पूरे भारत बहुत तेजी से बढ़ रही है यूनिकॉर्न। बहुत तेजी से बढ़ रही है। कहना चाहूंगा 4-5 महीने पहले 50 थे, अभी 90 के करीब है। क्या आने वाले टाइम में इंडिया जो है चाइना को इस हवाले से आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत जो है, जो डाटा है जनवरी और फरवरी का, इसमें 40 डेज में उनकी 8 कंपनीज यूनिकॉर्न बन चुकी है। सर, आप इस डाटा को देखते हुए क्या कहें? देखें, ये स्ट्रेटजी इन्होंने बोरो की है चाइना से, ठीक है। चाइना का अगर आप देखें तो 1980s में ना उनकी जो लीडरशिप आई थी वो इंटरनेशनल एक्सपोजर रखती थी, और जब वो यूरोप से वापस आए तो उन्होंने आके अपने कंट्रीज़ के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टेब्लिश करना शुरू की, और उन्होंने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू किया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने कहा कि पानी का मसला है चाइना में। उन्होंने ये किया कि पानी की जो सप्लाई थी ना वो एक आम बंदे को उन्होंने दी, इस वक्त वो इस अलीबाबा ग्रुप को टक्कर दे रहा है। सिर्फ पानी, उसको कह रहे लाल बोतल वाली ढक्कन, वहाँ पर मशहूर है, छोटी सी बोतल होती है इतनी सी पानी की, तो वो पानी की बोतल इतनी बिकती है कि वो बंदा बिलियनर्स हो गया। एक बिलियन की नहीं बात कर रहा, पता नहीं कितने बिलियंस का उसकी वो है। तो इस वक्त वो हर रोज़ एक बिलियनर पैदा कर रहे हैं। तो यही स्ट्रेटजी इंडिया ने अडॉप्ट की है। अनफॉर्चुनेटली 1970s में जो भुट्टो का दौर था हमारे यहाँ, उसको क्रश किया गया, उसमें नेशनलाइज कर दिए गए इदारे। उनका ये नुकसान हुआ कि जो हमारे 22 खानदान थे जो बिलियनर्स थे, और वो टैक्स का बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारे कंट्री के अंदर, वो हमारे जो टैक्स का कलेक्शन है उनमें रोल प्ले कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। अब भी मैं ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसको इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कुछ टेक्सटाइल्स की कंपनीज हैं, या इस तरह की कोई और प्रोडक्ट जो हमारी लोकल मार्केट से बिल्कुल रिलेट कर रही हो, उनको प्रमोट करना चाहिए और बिलियनर्स पैदा करने चाहिए, ताकि वो बुरे वक्त में हमारे खजाने को सहारा दे सकें। चाइना क्यों नहीं डूब रहा, अमेरिका क्यों नहीं डूब रहा, उनके पास बिलियनर्स हैं। जापानीज क्यों नहीं डूब रहे, उनके पास बिलियनर्स हैं। इंडिया ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, हम भी देर नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने जैसे 40 डेज में उन्होंने ये इकदाम किया है, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं कि उनकी यूनिकॉर्न कंपनीज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इंडिया की भी मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान भी उसी तरह की मजबूरी रखता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है, लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान की आबादी कम नहीं है। हम भी दुनिया का छठा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, हमारी आबादी भी 25 करोड़ है। हमें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अंदर चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है ना, तो सस्टेनेबिलिटी छोटे छोटे यूनिट्स नहीं ला सकते। सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको बड़े यूनिट्स भी चाहिए होंगे, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वो टैक्स पे करते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है सर्विस सेक्टर, कितना सर्विस सेक्टर टैक्स पे करता है आपको पता है? 200 रुपये मैक्सिमम, 200 ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, इससे कम सर्विस सेक्टर है। और बड़ा ठेकेदार बनाता है जी सर्विस सेक्टर के, हम बड़ा टैक्स पे कर रहे हैं।
हमारा सारी के सारा जितना टैक्स आ रहा है ये सारा सारा ट्रेडर्स दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट दे रहा है हमारा टैक्स, तो हमें इनको प्रमोट करना चाहिए इन सेक्टर्स को। इंडिया जो ऐसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहा है और जो उनके जो प्लान्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह हैं वो भी काफ़ी डेवलप है हमसे। और मैंने तो यही सुना है कि वो हर 5 दिन में उनके पास ऐसा प्लान है कि वो एक कंपनी डेवलप कर सकते हैं। तो यस, वो हमसे तो पाकिस्तान से तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। और ये भी सुना है कि आए दिनों में चाइना को भी वो बीट कर सकता है इस मामले में। इस हवाले से अगर आप मेरी राय के बारे में पूछें तो दे हैव बीन एडिटेड इन दिस लिस्ट, जो पाकिस्तान को अ काइंड ऑफ जीडीपी के लिहाज से भी बीट कर देती हैं। दे आर फार अहेड ऑफ पाकिस्तान। सो आई बिलीव इस के पाकिस्तान शुड हैव सक्सेस सक्सीड इन दिस स्टफ लाइक दिस, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके, पाकिस्तान इनको लेवल के तक पहुँचे। ये बताइएगा कि कहा ये जा रहा है कि आने वाले 5 डेज में ना इंडिया की एक कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है, चाइना की यूनिकॉर्न जो है वो कम होती जा रही है और इंडिया की यूनिकॉर्न बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सर, आपको क्या लगता है कि आने टाइम में जो इंडिया है वो चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में? याद रखिएगा, कमजोर जो डेमोक्रेसीज होती है ना, जैसे हमारे कंट्री में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, हम चाइना को या वेस्ट को टक्कर नहीं दे सकते। उनका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग है इन कंट्रीज का। वेस्ट को देख लें आप, अमेरिका आ जाता है उसमें, कनाडा आ जाता है, या आप चाइना को देख लें, बेसिकली गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है, वो मैं मानता हूँ यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखें पाकिस्तान में भी यूनिट्स जो है इंक्रीज़ हो रही है। अगर टेक्सटाइल सेक्टर देखें, हमारा आईटी सेक्टर देखें, आईटी सेक्टर इस वक्त मेरे ख्याल है कि 400 अरब डॉलर के ऊपर जा रहा है, जो तकरीबन 500 के लगभग बन रहे हैं, 500 अरब जो है वो 500-600 अरब रुपया जो है ना वो आईटी सेक्टर हमारा अर्न कर रहा है। इसी तरह हमारा टेक्सटाइल है, वो नई टेक्सटाइल लग रही है। मैं वही बात है आप वाली कि अगर वो उनके यहाँ इंडस्ट्री आ रही है तो हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री आ रही है, ऐसी बात नहीं है, अंडरएस्टिमेट ना करें, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए। मैं एक मिसाल दे दूँ आपको, ऑटो सेक्टर है, क्यों इग्नोर किया हुआ है गवर्नमेंट ने ऑटो सेक्टर? ऑटो सेक्टर जो है सारी की सारी जैपनीज हमारी मार्केट को कैप्चर कर जाती हैं। यहाँ पर हमने, अगर मैं ये नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नया इनिशिएटिव ले और नई हमारी नई कंपनी बन जाए, आप इन कंपनीज के साथ इश्तराक करके पाकिस्तान में इनके यूनिट क्यों नहीं लगवाते, लोकल जो ओनरशिप है उसको क्यों नहीं प्रमोट करते, ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लेके आते? जैसे सीपैक में अभी ये जो इमरान गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज लाया है कि हम हमारा जो लोकल होगी मार्केट, लोकल जो बंदा होगा वो भी ओनरशिप रखेगा बिजनेस में। जिस हिसाब से इंडिया में अगर ये यूनिकॉर्न्स बन रही हैं, हर 5 दिन में एक यूनिकॉर्न बन जाती है, क्या वजह नज़र आती है, उनकी प्रोग्रेस क्यों इतनी बढ़ती जा रही है और क्या वजूहत है, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को जाता है, या फिर उसके अलावा कोई और फैक्टर? एक फैक्टर हम सारे अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर। इंडिया के पास कंज्यूमर जो है वो 1 अरब 20 करोड़ के लगभग है, हमारे पास कंज्यूमर जो है वो 26 करोड़ है। ये आप पाकिस्तान का उनको उस लेवल पे तो नहीं, हम रेशियो में कर सकते हैं, रेशियो में कि कितने परसेंट वहाँ पे आ रही है, कितने परसेंट पाकिस्तान में आ रही है, कितने इसी के साथ हुई गई सी वीडियो खत्म। यार ये बंदा है, ये कहता है मैं हार ही नहीं मानता, सीधी सी बात है, ये अभी आगे और अपनी बातें निकालेगा भाई, इसको इतनी नहीं समझ आ रही। चलो यार, चलो मतलब इंडिया के बाद ही ज्यादा है, इंडिया पर कितने यूनिकॉर्न है, 90 हो गए, मतलब 90 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी 1 बिलियन डॉलर से मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा है, 1 बिलियन डॉलर से ऐसे भी हैं जिनकी 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। मैं एक और छोटी सी बात भाई करूंगा, ये बोल रहे आबादी है यूके, चलो बोल लो, चलो यूके भी छोड़ दो, ब्राजील उनकी तो आबादी हमारे जैसी है ना, दूर क्यों जाते हो, जापान के पास, जापान उनके पास यूनिकॉर्न बिन क्यों ज्यादा है यार? मतलब ये हमारी सोच है कि आबादी आबादी से कुछ भी नहीं होता भाई, उनके पास क्यों है यूनिकॉर्न? थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन आबादी से ये नहीं होता, हमारे पास एक यूनिकॉर्न नहीं है, बंदे की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है, हमारी हमारे पास अब एक भी यूनिकॉर्न नहीं है, क्यों नहीं है आबादी अब इतनी कम है हमारी, हमारे पास एक भी यूनिकॉर्न? सच में यार हमारी फैसिलिटीज नहीं दे रहे लोग, मतलब गवर्नमेंट से फैसिलिटीज नहीं दे रही है इंडिया को, जो बड़े बड़े उधर जो है ना इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री जो उन्होंने खड़ी की हुई है, जिस तरह उनको गवर्नमेंट जो है ना उधर जाकर उनको काफी सारी सहूलतें दे रही है, इंडिया में डूइंग बिजनेस 140
पे था 2-3 साल पहले, अभी वो 63 पे आ गया कि 60 पे आ गया। बिल्कुल, अब आप अंदाजा लगाओ कितना आसान हो गया उधर बिजनेस। यार बाहर की कंपनीज आ रही हैं, उनको इतने जबरदस्त किस्म के मतलब उनको इंडिया में ऐसे ऐसे शो है भाई, शार्क टैंक को देख लो जो न्यू आइडियाज वाले को हेल्प कर रहे हैं। वाकई में टाटा जिनको वो बोला जाता है एंजल ट्रस्टर, मतलब एंजल मतलब जो ऐसा भी है जिनमें पोटेंशियल नजर आता है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिकॉर्न थोड़ा करे बड़ा करे लेकिन वो यूनिकॉर्न बन जाती है यार। बंदे की मेहनत होता है भाई। हाँ वो देख लो, अब एक्सपोर्ट की है वो भी यूनिकॉर्न बनी हुई, एक्सपोर्ट्स की है, अब उसके बाद लखनऊ भी आने वाली है। मतलब यार ये नहीं है कि आबादी से होता है यार, बंदे में अपना होता है, अपना तरीका कार होता है, अपनी चीज। अब बिजनेस किस तरह लेकर चलते हो, सारी बात यही ऐसी चीज हमें चाहिए कि हमें भी इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए और हम भी इस तरह करें। हमें मुकाबला नहीं, हमें सीखना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए, हम मुकाबला करने के लायक ही नहीं है। सच में हमें सीखना चाहिए किस तरह वो अपनी मईशत को नीचे से ऊपर लेकर गए, हमें भी इस तरह करना चाहिए। आप क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।